हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीशॉक की वॉच वाटरप्रूफ होती है या फिर नहीं होती है। मेरे हाथ में है सीशॉक की वॉच और इस वाले वॉच को मैं पानी में डालूंगा और पानी में डाल के फिर मैं वापस से निकालूंगा और देखूंगा कि ये वाली वॉच वाटरप्रूफ होती है या फिर नहीं होती है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा कि सीशॉक की वॉच वाटरप्रूफ होती है या फिर नहीं होती है, जबकि इसका प्राइस होता है 200 रुपये। 200 रुपये में इसको आपको वाटरप्रूफ होना चाहिए। तो लोगों को पता नहीं होता तो उनके अंदर एक डर सा बना रहता है कि कहीं बारिश की वजह से या तो हाथ धोने की वजह से या तो नहाते टाइम किसी भी वजह से हो सकता है कि इनका जो है कि सीशॉक का वॉच भीग जाए, गीला हो जाए, पानी अंदर चला जाए, तो हो सकता है कि ये बंद हो जाए। तो दोस्तों, ये जो डर है ना उनके अंदर रहता है, तो आज के इस वीडियो में उनका डर निकालने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ, लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा कि सीशॉक की वॉच वाटरप्रूफ होती है या फिर नहीं होती है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। या उससे पहले चैनल पे जो नए या सब्सक्राइब नहीं किए हुए, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही दबा दें बेल बटन को ताकि हमारे आने वाले सारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अभी मेरे पास है सीशॉक का वॉच और इसको मैं पानी में डालूंगा और फिर निकालूंगा, देखता हूं ये बंद होता है या फिर नहीं होता है। तो दोस्तों, अभी मेरे पास एक है ये पानी का जो है कि डब्बा जो मैं ले रखा है, इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद इसके अंदर फिर से हम डालेंगे इस वॉच को। तो दोस्तों, मेरे पास है सीशॉक का वॉच और मेरे एक हाथ में है सीशॉक का वॉच और एक हाथ में है पानी का डब्बा, और इस डब्बे में मैं इस सीशॉक की वॉच को डालूंगा और फिर देखूंगा कि ये वॉच वाटरप्रूफ होता है या फिर नहीं होता है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपका डर निकालने वाला हूँ। तो मेरे हाथ में है ये पानी का डब्बा और ये वॉच और इसके मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। डालने के बाद कुछ देर बाद हम देखेंगे कि इसकी हालत क्या होती है, ये किस पोजीशन में रहता है, किस कंडीशन में रहता है। थोड़ी देर बाद इसका हम लाइव टेस्ट करके निकालने वाले हैं। ओ वाह, जैसा आपको दिख रहा होगा दोस्तों, अंदर तो बिल्कुल चल रहा है, डिजिटल उसका मुझे दिख रहा है, बहुत ही अच्छे चल रहा है, बंद नहीं हुआ है, जबकि 15 सेकेंड हो चुके हैं। उसके बाद हम भी देखेंगे थोड़ा देर और, उसके बाद फिर वापस से निकालेंगे और देखेंगे कि ये वॉच बंद होता है या फिर नहीं। तो दोस्तों, अब वापस से हम इस वॉच को निकालेंगे और देखेंगे कि क्या इस कंडीशन में है ये, ठीक है, बंद हुआ है या फिर नहीं, ये वाटरप्रूफ है या फिर नहीं। अगर चालू है तो समझ लीजिए वाटरप्रूफ है, अगर बंद हो गया तो समझ लीजिए वाटरप्रूफ नहीं है। ये हमने यहाँ से इसको इस तरीके से निकाल लिया। इस तरीके से निकाल लिया दोस्तों। अब देखते हैं कि वाटरप्रूफ होता है या फिर नहीं होता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल ये घड़ी ओके है और चालू है, देख पा रहे होंगे आप, लाइट वाइट सब काम कर रहा है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सीशॉक की ये वॉच है, बिल्कुल देख रहे हैं वाटरप्रूफ है, ज़रा सा ही पानी नहीं गया है, अगर ऐसे झटकते हैं ना तो पानी बिल्कुल बाहर आ जाता है, देख रहे हैं, वाटरप्रूफ हम वॉच है ये सीशॉक की वॉच। अब कंफर्म हो गया आपको, सीशॉक की जो वॉच होती है ना, ये बिल्कुल वाटरप्रूफ वॉच होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो देख के आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको 1% भी अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना।